नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। साप्ताहिक राशिफल 7 मार्च 2021 से लेकर 14 मार्च 2021 तक ये 7 दिन आपके जीवन में किस प्रकार का शुभ परिणाम लेकर आएंगे और क्या सावधानियाँ रखनी होंगी और क्या उपाय से हमें पूरे सप्ताह में आनंद मिल सकता है, ये सब जानकारी दूंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इस सप्ताह का आपका प्रतिशत कि कितने प्रतिशत ये सप्ताह आपको शुभ परिणाम दे रहा है। तो आइए शुभारंभ करते हैं और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप सभी महिला पुरुष बच्चे अपनी राशि के अनुसार इस साप्ताहिक राशिफल को देखकर अपने सप्ताह को निर्धारित कर सकते हैं वक्त से पहले। तो आइए शुभारंभ करें ईश्वर के आशीर्वाद से। शुरुआत करेंगे 7 मार्च और 8 मार्च, चंद्रमा जो है वो धनु राशि में होंगे। दोपहर 3 बजे तक भाव होगा दशम और आपका यह सर्वश्रेष्ठ दिन होगा इस सप्ताह का। निश्चित रूप से आप मान सम्मान कमाएंगे, शान शौकत इज्जत की प्राप्ति होगी, व्यापारी वर्ग को निश्चित रूप से लाभ होगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने का बढ़िया दिन है, आप आत्मनिर्भर होंगे, आपके लाभ के रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिसको देखकर आपको काफ़ी प्रसन्नता होगी, परिवार में खुशियां होंगी। आपका वक्त चारों तरफ से अच्छा है, सभी फैसले विचार कर कर लें ताकि शुभ समय का पूरा पूरा लाभ उठा पाएँ। बच्चों को नए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जानकारी मिल सकती है, वो लोग ट्राई कर सकते हैं किसी अच्छे स्कूल कॉलेज या जिस भी क्लास में या कॉलेज में वो पढ़ते हैं या किसी नए कोर्स में जाना चाहते हैं। तो जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको बड़ा लाभ मिलने का समाचार मिलेगा। आपके मन की कोई अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपके प्रेम संबंध सुधरेंगे, खाने पीने के मामले में थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा ताकि पेट सही रहे। जुबान पर ध्यान मत दीजिएगा, पेट पर ध्यान दीजिएगा, जुबान चटपटी होती है और कहीं बहुत मसालेदार भोजन पेट को गड़बड़ ना कर दे। अब जानेंगे 8 मार्च 3 बजे के बाद का समय और 9 मार्च 10 मार्च और 11 मार्च सुबह 10 बजे तक के समय की चंद्रमा मकर राशि में होंगे एकादश भाव में। आज का दिन आपके लिए शानदार है, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होने का वक्त है, आपको जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन जो ग्रह सितारे दिखा रहे हैं तो जीवन साथी को अगर आप कोई गिफ्ट वगैरह दें तो और बढ़िया रहेगा। भविष्य के लिए आप धन का निवेश कर सकते हैं, खर्चे थोड़े अधिक होंगे, आमदनी थोड़ी कम, लेकिन जिंदगी की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए पैसे का निवेश आप करेंगे और आनंद उठाएंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई मित्रों की सहायता से पूरी हो जाएगी। बड़ा धन निवेश करने से बचना होगा। आप लोगों को चाहिए कि कोशिश करते रहें और आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज उन कामों में जरूर कोशिश करें जिनमें आप पिछले दिनों में असफल हो गए हों। आज आपका भाग्य आपके साथ में है, आपको उन कामों में सफलता दिला देगा जो काम मुश्किल हैं या असंभव हैं, जिनमें आप पहले असफल रहे हैं लेकिन आज सफल हो जाएंगे। आपको आर्थिक हानि ना हो इसके लिए ध्यान रखिएगा। जीवन साथी का विरोध आपको झेलना पड़ सकता है कुछ मामलों में जहाँ पर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। आज के दिन आप मन मौजी हो सकते हैं, छोटी सी सफलता पाकर अपने मन की करने वाले हो सकते हैं, तो ऐसे में जीवन साथी नाराज हो जाएगा या हो जाएगी जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन बस ये है कि वो आपको सुधारने की कोशिश करेंगे या करेंगे और आप सुनेंगे नहीं, तो थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है। व्यापारी वर्ग को यात्रा में बड़ा मुनाफा नहीं होगा, इसलिए सोच समझ कर यात्रा करें। बात करेंगे 11 मार्च सुबह 10 बजे के बाद का समय, 12 और 13 मार्च शाम 6 बजे तक के समय की चंद्रमा जो है वो 12वें भाव में होंगे। ये वक्त फिर आपके पक्ष में नहीं होगा, आपका वक्त जो है वो खर्चा दिखा रहा है, वक्त का खर्चा, पैसों का खर्चा, उदासी दिखा रहा है। आपकी कोशिशें फेल हो सकती हैं, प्रत्येक क्षेत्र में आपको निराशा का सामना करने को मिल सकता है, आपके मन की शांति भंग हो सकती है। यात्रा के वक्त आपको सावधानी रखनी होगी। प्रेम संबंध को अगर बढ़िया बिताना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। आपका खर्चा अधिक होगा, व्यर्थ में आपको परेशानियां होंगी, आपके छोटे भाई बहन से भी आपका तनाव संभव है।
जीवन साथी के साथ रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो सकती है, आपके घर में का माहौल कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्लेश हो सकता है, आपको हिम्मत दिखानी होगी हर मामले में। आपके वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध में अगर आपने ईमानदारी दिखाई तो सही है, अगर आपने धोखाधड़ी करी तो गड़बड़ है। धन के निवेश के मामले में और सेहत के मामले में वक्त आपके पक्ष में नहीं है। नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, अपने बॉस से बहसबाजी नुकसान देगी। छोटा या मोटा या बड़ा विवाद, कोई भी विवाद आपके सहकर्मियों से, आपके बॉस से अगर आपका होता है आज के दिन या इन तारीखों में, तो नुकसान आपका ही होगा। किसी पर जरूरत से अधिक विश्वास करने पर भी हानि आपको हो सकती है, धोखा खा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई काम ना करें, सलाह लेकर करें तो बढ़िया होगा, और शत्रु को कमजोर समझने की गलती में आप बड़ा नुकसान उठा जाएंगे। अब बात करेंगे 13 मार्च शाम 6 बजे के बाद का समय और 14 मार्च का पूरा दिन। आपको अब राहत मिलेगी, आपका मूड बदलेगा धीरे धीरे, आपके काम के रास्ते खुलेंगे, व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, आप आत्मनिर्भर होंगे और जो पुराने नुकसान किए हैं उससे उबरने की कोशिशों में भी सफल होंगे। कुल मिलाकर सफलता की तरफ आप एक कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और अच्छा रहेगा। हो सकता है इन दिनों में आप कुछ नया तो बाद में करें, जो पुराना बिगाड़ा हुआ है उसको सुधारने में ज़्यादा वक्त लग जाए 14 तारीख को। इस सप्ताह की हाईलाइट क्या है, जहां वक्त और पैसा लगाएंगे वहां से लाभ होगा। बिना फल की इच्छा के काम करें नहीं तो नुकसान हो जाएगा, लालच मत करिएगा। आपके घर में मांगलिक कार्यों की अगर कोई चर्चा है या बातचीत है या हो रहा है तो रुकावटें आएंगी। आपके शरीर को आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना होगा, लचीला रखना होगा। अपने प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में ईमानदारी रखनी होगी, ताज़ापन रखना होगा। करियर में कामयाबी की योग है, वाहन की चलाने वक्त जो है आपको तकलीफ हो सकती है। आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ है, इस पर भरोसा रखें। गठिया का रोग या घुटनों के दर्द का रोग है तो तकलीफ देगा। आपके परिवार के लोगों के बीच में, आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच में कुछ बातों को लेकर तनाव होगा, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानियां बढ़ जाएंगी। आपको सावधानियों के साथ इस सप्ताह को जीना होगा। सप्ताह के कुछ दिन हानिकारक हैं तो कुछ दिन अच्छे हैं, और सबसे अधिक जो इस बढ़िया होगा इस सप्ताह में वो आपके क्या है कि आपके प्रेम संबंध बन जाएंगे। यानी अगर आप किसी को चाहते हैं या आपका कोई पार्टनर नहीं है तो वहाँ पर आपको कामयाबी मिल सकती है। भगवान विष्णु की आराधना करें और जीवन में आगे बढ़ें, और साथ में भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का 1008 बार जाप अगर आप सुबह शाम मिलाकर कर लेते हैं तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अब बात करेंगे त्रिशक्ति रुद्राक्ष को पहनने के क्या फायदे हैं और मीन राशि वाले जातक जातिका उसको क्यों पहने, आइए विस्तार से जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि त्रिशक्ति कवच क्या होता है। यह है त्रिशक्ति कवच जिसमें 3 रुद्राक्ष डाले गए हैं, ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष। नेपाली रुद्राक्ष इसलिए ओरिजिनल और बढ़िया फलदायक होता है क्योंकि वो मीठा बीज होता है, अच्छा बीज का फल होता है, और शिव को रुद्राक्ष बहुत पसंद है। कहते हैं जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो शिव का बहुत क्लोज होता है, बहुत प्रिय होता है, शिव का अंश बन जाता है, उनके जिगर का टुकड़ा बन जाता है, और शिव उसको विशेष आशीर्वाद देते हैं। और धरती आकाश पाताल में से कोई भी ऐसी चीज जो भी नकारात्मक हो उस इंसान को छू भी नहीं सकती। तो ये त्रिशक्ति कवच 3 रुद्राक्षों से बना हुआ है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद और भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसको पहनने का फायदा मैं आपको बता देता हूं। शिव प्रसन्न तो ग्रह शांत, शनि शांत, शनि की 7.5 शांत, काल सर्व दोष शांत, अनेक अशुभ प्रभाव शांत, ग्रहों की शांति। उसके साथ साथ तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा शांत, शत्रु शांत, बच्चों की पढ़ाई तेज, व्यापार नौकरी में तरक्की। जहां पर आप जाएंगे शिव के रूप में आपको पूजा जाएगा या शिव के रूप में आपकी छवि बनेगी क्योंकि आप शिव का अंश है। इसको धारण करने के बाद कहावत है, मान्यता है, कई जगहों पर लिखा है कि
जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो धरती पर भी परम सुख पाता है और मृत्यु के बाद भी शिवलोक को जाता है, बीमारियों से मुक्ति। और त्रिशक्ति कवच में बहुत सारी ताकतें हैं, एक्स्ट्रा ताकत, इसलिए ये विशेष है। अच्छे वर की प्राप्ति, घर में लड़ाई झगड़े हैं तो शांति, कर्जे चढ़े हैं तो मुक्ति, बहुत सारी चीजें हैं। शिव तीनों लोकों के स्वामी है और जब आप तीनों लोकों के स्वामी के प्रिय बन जाए तो आपको कष्ट नहीं हो सकता, ये तो आप भी जानते हैं। कैसे पहनना है, कब पहनना है, इसकी विधि विधान हम आपको सब बताएंगे। ये चांदी में मढ़ा हुआ और धागे में मढ़ा हुआ आपको प्राप्त होगा। इसकी कीमत है 2400 रुपये जो कि धागे में होगा और 5100 रुपये कीमत है जो कि चांदी में मढ़ा हुआ होगा। चांदी में पहनना या धागे में पहनना बात एक ही है, उसके प्रभाव में कोई फर्क नहीं आता है, बस चांदी की कीमत उसमें ऐड हो जाती है। मजबूती के साथ बनाया जाता है, ओरिजिनल है, सर्टिफिकेट के साथ आपको दिया जाएगा। विधि विधान से आपके घर कोरियर के द्वारा इन्हीं पैसों में भेजा जाएगा और आपको लाभ होगा। ये भीता है, आप इसको मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। L1 L2 2400 रुपये और 5100 रुपये का है और आप इसको लेकर जीवन में शिव के विशेष भक्त बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये त्रिशक्ति कवच आपके जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता जरूरत से ज़्यादा लाए और आपको वो सब कुछ दिलाए जिसकी आपने कामना की थी, जो इतने वर्षों से आपको अभी तक नहीं मिला। मार्च 2021 में शिव की कृपा से आपको वो सब मिलने का शुभारंभ हो जाए। L1 लिखकर व्हाट्सएप करें। नमस्कार, जय शिव शंकर।